दोस्तों, ये क्या हो रहा है हमारे धरती के साथ? कहीं शहर में सिंक होल तो कभी पिंगो का धसना, और अभी तो एक बड़ा जंगल नीचे धस गया। और यही नहीं, धसने के बाद मिला एक 40,000 साल पुराना प्राणी। तो 3 मिनट रुकिए और ये वीडियो देख कर जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे शब्द हम तो अक्सर सुनते हैं, पर आज देख भी लीजिए। आजकल जलवायु परिवर्तन का खतरा गंभीर होता जा रहा है। जैसे कि पिछले एक एपिसोड में मैंने पूर्वी साइबेरिया के विशाल जमीन में एक बड़ा छेद के बारे में बताया था, जो पाताल के द्वार के रूप में जाना जाता है, और वो गड्ढा हाल के दशकों में जलवायु परिवर्तन से ही हुआ था। वैसे ही साइबेरिया के ही इस विशाल जंगल में भी ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा सकता है। आज हम बात करेंगे इस जगह के बारे में और यहाँ मिला उस प्राणी के बारे में। स्पेस से देखने से मेंढक के बच्चे की तरह का दिखने वाला इस जगह का नाम है बतागीका क्रेटर, जो रूसिया के याकुटिया में स्थित है और 1 किलोमीटर लंबा है और 100 मीटर गहरा है, जो अभी भी बढ़ रही है। लेकिन ये भी कोई क्रेटर नहीं है, मतलब यहाँ कोई उल्का नहीं गिरा है। तो इस जगह का हालत ऐसी हुई कैसे? इंसान अगर प्रकृति के साथ छेड़खानी करेगा तो ऐसा तो होना ही था। असल में यह जगह एक परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड है। परमाफ्रॉस्ट उस जगह को कहा जाता है जहाँ की मिट्टी और पत्थर पानी के फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है कई सालों तक, और जब तापमान बढ़ता है तब वो जमीन नीचे धंसने लगता है। और जैसे कि ये जंगली इलाका परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड था, और लोगों ने वहाँ के पेड़ों को भी काट डाला, तब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जंगल का एक बड़ा हिस्सा पिघल कर नीचे धंस गया। वैज्ञानिकों के एक समूह के अनुसार साइबेरिया में परमाफ्रॉस्ट के पिघलना शुरू करने के लिए पृथ्वी का तापमान मौजूदा स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ना ही काफ़ी है। और हाल ही में ऐसे जल्दी में परमाफ्रॉस्ट का पिघलने का मतलब है कि पिछले कुछ दशकों में एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। बहुत पहले रूसिया के याकुटिया के इस जगह में एक अनोखी प्रजाति रहते थे, जो फिलहाल में मिला है। परमाफ्रॉस्ट अक्सर मिट्टी के भीतर मृत पौधे और पशु को संरक्षित करके रखते हैं। बतागीका क्रेटर ने उस सतह को उजागर किया है जो पहले जमे हुए थे। आर्कियोलॉजिस्टों को यहाँ आइस एज के ज़माने का एक मृत प्राणी मिला है, जो पूरी तरह से संरक्षित है, यहाँ तक कि उसके अंदर का खून भी। और ये प्राणी है लेंसकेया का 2 महीने का बच्चा, जो घोड़े का एक जाति है और 30,000 से 40,000 साल पुराना है। ये घोड़े का बच्चा इतना अच्छे हालत में मिला है कि इसके शरीर में अब भी बाल है और अंदरूनी हिस्से भी ताजे हैं, यहाँ तक कि तरल खून भी मौजूद है, जो पहले कभी भी नहीं मिला था। इसलिए ये बना आज तक का दुनिया का सबसे पुराना तरल रक्त। जिस टीम ने इस घोड़े के बच्चे को ढूंढा था, उनके पास एक सिद्धांत है कि घोड़े के साथ क्या हुआ था। उनका कहना है कि ये आइस एज का घोड़ा उस वक्त कीचड़ में गिर गया था और डूब गया था। तो अब आप इस जगह के रहस्य के बारे में जान चुके हैं। दुनिया में इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जिनके अपने ही अलग अलग रहस्य और खासियत होते हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। अगर आपको जानना है तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल को भी ऑन कर ले, या फिर YouTube में मिस्टर भार्गव 123 सर्च करें, जब भी देखने का मन हो तब। दोस्तों, इस चैनल के अलावा भी मेरा और भी चैनल्स है। YouTube में आज ही सर्च कीजिए सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी बाय भार्गव, और उसके बाद भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़ सर्च करें। आशा करता हूँ कि इन दोनों चैनल्स के वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। नए दर्शकों के लिए मेरा गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस आप देख सकें। और आपने अगर हमारे दूसरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।